में शुरुआत की और फिर उन्होंने पहले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक किया और फिर उन्होंने मणिपुर से लेकर आगे महाराष्ट्र तक किया। वो संदेश लेकर हम लोगों के बीच में गए। जनवरी में हमने शुरुआत की और तब भी हमने कहा था लोकसभा चुनाव तक करके, उसके बाद हम विधानसभा चुनाव फिर शुरू करेंगे लोकसभा के बाद। तो फिर से ये शुरुआत हो रही है, लोग जागरूक हैं, उनको उनके पास हम मुद्दे लेकर जा रहे हैं। स्थानीय मुद्दे भी हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आज के दिन अहमियत रखते हैं स्थानीय और राज्य के मुद्दे हमने उठाने हैं। आज के दिन आपने देखा कि 10 साल जो सरकार है शासन नहीं कुशासन, और इसी कारण आज जनता के जन जन के बच्चे बच्चे की जबान पर है कि ये कुशासन बदलना है और कांग्रेस पार्टी की सरकार लानी है। आज हम अंबाला से शुरुआत कर रहे हैं, यही मांगे आरटीआई लगाए बात नहीं। देखो अभी के 10 साल हो गए, हमने लोगों तक जाना पहले भी सीखा, 10 साल में इन्होंने लोगों की बात तो सुनी नहीं है भाजपा ने, और यही कारण है कि आगे आने वाले समय में आप देखेंगे सरकार तो कांग्रेस को मिलेगी और भाजपा को असलियत पता चल जाएगी, जिसका नमूना आपने लोकसभा में। मैडम अभी देखो हमारा प्रयास होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा जगह पर जाएं, समय सीमित है, प्रयास होगा ज्यादा से ज्यादा। मैं कुमारी शैलजा विधायक।